Hey guys, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर। आज मेरे पास है Infinix का X Band 3 और साथ में ही मेरे पास है Mi Band 3 भी, जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ X Band 3 की अनबॉक्सिंग, साथ में इसे कंपेयर करेंगे Mi Band 3 के साथ और देखेंगे कैसा है। हालांकि जो इसकी प्राइसिंग है वो काफी अच्छी है, 15999, और जो Mi Band 3 आता है वो आता है 2000 रुपये में, तो प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छा है। और साथ में अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कलर डिस्प्ले भी देखने मिलता है। सो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये Mi Band के मुकाबले कैसा है। तो ये है Infinix X Band 3 का बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका बैंड बना हुआ मिल जाएगा और साइड में यहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है, बस यहाँ पे कुछ इसकी प्राइसिंग दी गई है। पीछे की तरफ बात करूँ तो आपको यहाँ पे बॉक्स के पीछे मिल जाता है X Band 3, और साथ में इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे बॉक्स पे हाईलाइट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हार्ट रेट सेंसर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, IP67 का रेटिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, यानी कि जो ये बैंड है वो आपको यहाँ पे वाटर प्रूफ देखने मिल जाएगा। साथ में 20 डेज की बैटरी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, अलार्म क्लॉक आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, स्पोर्ट ट्रैकिंग और स्लीप मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एंड्रॉइड iOS पे ये दोनों सपोर्ट करता है। साथ में जो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का वर्जन देखने मिलता है वो मिलता है 4.0 का। तो चलो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये X Band कैसा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लीफलेट देखने मिलता है जहाँ पे आपको कुछ मैनुअल गाइड देखने मिल जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको कलर्स देखने मिल जाते हैं इसके बैंड के अंदर, जो कि आपको Mi Band 3 में देखने नहीं मिलता है। तो इसको रखते साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मेन कंटेंट देखने मिलता है, जो इसका X Band फर्स्ट इंप्रेशन में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लासिक लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है इसका चार्जर, ये है इसका चार्जर। थोड़ा सा अलग तरीके का चार्जर है यहाँ पे, हालांकि आप इसे अपने USB केबल से जॉइंट करके चार्ज कर सकते हैं। और साथ में अच्छी बात ये लगी मुझे यहाँ पे, जो इसका बैंड है, अगर आप उसे चार्ज करना चाहते हैं तो आपको बार बार इसे अपने बैंड से अलग नहीं करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका पिन पॉइंट, आपको सिर्फ इसे इस तरह से अटैच कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसे अटैच करना है और आपको बार बार झंझट नहीं रहेगा कि इसे आप बार बार बैंड से हटाइए, जैसे कि आपको Mi Band में करना होता है कि इसे बार बार यहाँ से हटाइए और फिर चार्ज कीजिए। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, जो कि मुझे इस बैंड में काफ़ी अच्छा लगा। साथ में जो इसका स्ट्रिप है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, जो कि एक अच्छा फील देता है। और यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन में इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको इसमें कलर डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इसके टाइम को देख सकते हैं। साथ में ये जो पूरा इसका डिस्प्ले है वो यहाँ पे टच रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे टच करना है इसे एक्सेस करने के लिए, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग के लिए मिल जाएगा, उसके बाद हार्ट रेट के लिए, उसके बाद यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं BP अपना, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह के शटर, आप यहाँ पे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं इसे टच करके। साथ में म्यूजिक प्लेयर भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। सो इस बैंड को यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है Infinix Live, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद आपको इसे अपने फ़ोन से सेट कर लेना है और आप उसके बाद इसे अपने फ़ोन से मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है X Band 3 को, और यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है और सारे ही फीचर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके ऐप में सारे ट्रैकिंग के डिटेल्स देखने मिल जाएंगे, स्लीपिंग मॉनिटर, हार्ट रेट्स, ऐसे सारे। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। साथ में आपको यहाँ पे इसका बैटरी भी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से इसके वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने फिलहाल रखा है यहाँ पे ये ग्रीन वाला, आप चाहे तो इसे पिंक में भी चेंज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे चेंज हो गया कुछ इस तरह। और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिटेलिंग्स देखने मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे इसका बैटरी, टाइम, डेट, कैमरा और साथ में जो आपके स्टेप्स कितने चले हुए वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। सो इंटरफेस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ में अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे कलर भी देखने मिल जाता है इस बैंड में। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मिलता है वो है इसका नोटिफिकेशन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इतने सारे ऐप्स के यहाँ पे नोटिफिकेशन अपने बैंड्स के थ्रू पा सकते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, मैसेजिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के ऐप के आप नोटिफिकेशन इस बैंड में डायरेक्टली पा सकते हैं। आपको सिर्फ इस बैंड को ब्लूटूथ से अपने इस ऐप से कनेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से अलार्म सेट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस बैंड में शटर का ऑप्शन यूज़ करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, आपको बस इसे यहाँ पे टैप करके रखना है और देख सकते हैं आप, टाइमिंग स्टार्ट हो गया। सो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो कैप्चर कर सकता है। आप चाहे तो यहाँ पे इसे फ्रंट कैमरा को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखने मिलता है वो मिलता है यहाँ पे कुछ सेटिंग्स का, आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
और आप चाहे तो यहाँ से इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ बैंड के बारे में, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने मिल जाता है इसका हार्ट रेट सेंसर, जहाँ से आप अपने हार्ट रेट या बीपी वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स देखने मिल जाएंगे। बैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको मी बैंड 3 में देखने मिलता है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर भी मिल जाता है इसी के अंदर, जिसके थ्रू आप अपने सॉन्ग्स वगैरह को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जो आपको मी बैंड 3 में देखने नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लुक एंड फील की, तो मेरे पास मी बैंड 3 भी है, जिस साइड बाय साइड कंपेयर करके मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कुछ इस तरह का ये दोनों आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे एक्स बैंड में यहाँ पे आपको कलर डिस्प्ले देखने मिल जाएगा कुछ इस तरह का, और जो मी बैंड है वहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल वाइट वाइट या ब्लैक एंड वाइट आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह का डिस्प्ले देखने मिलता है। अब बात करते हो इसके टच रिस्पांस की, तो आपको इस डिस्प्ले में पूरी तरह का टच देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मी बैंड 3 में ऊपर से स्वाइप कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे एक उठा हुआ बटन सा मिलेगा जहाँ पे आपको टच करना है इसे मॉनिटर करने के लिए, और जो इसका रिस्पांस है वो इतना अच्छा नहीं है जितना आपको मी बैंड 3 में देखने मिलेगा, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो इसे मैंने अपने हैंड में पहन लिया है, और जो इसका ग्रिप है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स देखने मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसे अपने हैंड में फिट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ इसके फीचर यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हार्ट रेट इसका मॉनिटर करके देखता हूँ कि कैसा दिखाता है। ये आपको सिर्फ यहाँ पे टैप करके रखना है इसे मॉनिटर करने के लिए, और ये यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि जो बैंड्स के हार्ट रेट होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते, फिर भी जो आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने मिल जाएगा, चाहे वो मी बैंड हो चाहे आपका ये एक्स बैंड 3 हो, दोनों में आपको यहाँ पे हार्ट रेट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। सो ओवरऑल ये बैंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका जो लुक है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी क्लासी देखने मिलता है। ये कर्व सा डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, और अगर मैं बात करूँ सनलाइट में इसकी विजिबिलिटी की, तो ठीक ठाक देखने मिल जाता है। हालांकि जो मी बैंड 3 है आपको यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, तो सनलाइट में आपको इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, बट जो एक्स बैंड 3 है उसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना मी बैंड 3 की है। बट ओवरऑल जिस प्राइसिंग पे ये बैंड आता है वो काफ़ी अच्छा है। आपको 1599 रुपये में एक ऐसा बैंड देखने मिल जाता है जहाँ पे आपको मी बैंड 3 के सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, और साथ में जो इसका डिस्प्ले मिलता है वो आपको यहाँ पे कलर डिस्प्ले देखने मिलता है। सो ओवरऑल जो ये बैंड देखने मिलता है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी देखने मिलता है, और मार्केट में इस प्राइस में आपको इतना अच्छा बैंड देखने नहीं मिलेगा। सो अगर आप एक बजट स्मार्ट बैंड ढूंढ रहे थे अपने लिए जिसकी प्राइसिंग काफ़ी कम हो और वो काफ़ी अच्छा हो, सारे फीचर्स आपको इसमें देखने मिल जाए, सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइस ये था इन्फिनिक्स एक्स बैंड 3 की अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर किसी तरह का स्मार्ट बैंड बाय करना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में ये एक्स बैंड आपको कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।